हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। इमरान जमील, ये अभी छोटा मगर स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो है ये, जिसमें कि अभी मैं मौजूद हूँ इन साहब के साथ, जो किसी हमारे सर्कल्स में तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन शाहिद काजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हो रहा है, क्या आजकल चल रहा है, कुछ ज़रा सा बताएंगे आप? एक्चुअली मैं अभी इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा जरा तैयारी में हूँ आजकल। आई एम एक्च मेरा ख्याल से कितने 12 साल के बाद मैं वापस आ रहा हूँ, और आई एम कमिंग अप विद एन एल्बम, पूरी ब्रांड न्यू एल्बम विद अ फ्रेश लुक, फ्रेश अप्रोच। मैंने गाने तैयार मैं काफी अरसे से कर रहा हूँ, कुछ नए भी हैं, कुछ पुराने लिखे हुए भी हैं, तो लाइक आई एम एक्चुअली पुटिंग देम टुगेदर। आई डू माई ओन वर्क, सो यू नो आई एम नॉट लिमिटेड टू एनी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी कि मुझे ये नहीं करना पड़े, मुझे वो नहीं करना पड़े। आई डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, सो इंशाल्लाह आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन, एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज फॉर मी इज अ गिफ्ट और एक अमानत है, जिसे कहते ना, टू यू नो जिन लोगों ने मुझे सराहा, जिन लोगों ने मुझे कभी किसी काबिल समझा, ये एक अमानत है जो मेरे पास है, मैं लोगों को वापस कर रहा हूँ। और मैंने पिछले 12 साल में अपने आप को बहुत संवारने की, सुधारने की कोशिश की है। मैं हमेशा से आई ऑलवेज बिन यू नो मैं आई ऑलवेज बिन एट द फ्रंटियर ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट, सो इस दफा भी इंशाल्लाह ये एल्बम जो मैं बना रहा हूँ, इट्स गोना बी कंप्लीट समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। That's good. So one last question. What motivated you to get back and actually start thinking along these lines again? तो ये बोल Number one, you are my biggest motivator every नहीं, right time. now that was Actually, not the purpose of no, my but question. you know what I should mention every time, you know what, Imran, I live in Canada, Imran lives in Maryland. So Imran, every time he comes here, or Imran, like, he's probably my biggest supporter, and he's always been like egging me नहीं on नहीं like भाई, थैंक यू। crazy. अब जस्ट आई डिडन्ट मीन टू गो No, दैट but राउट, यू absolutely. नो, लेकिन So anyways, to long story short, अभी मैं एक फाउंडेशन डिनर में गया हुआ था, एक चैरिटेबल फाउंडेशन डिनर में गया हुआ था, तो वहां पे यू नो आई कुछ लोगों ने बोल दिया कि ये सिंगर है, तो वहां पे कुछ लोग थे वो मेरे पीछे लगे, अच्छा गाना, कोई गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, गाना सुनाओ, तो आई वाज लाइक ओके, सो आई सैंग। सो व्हेन आई सैंग आई गॉट सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स, आई गॉट सो मच एनर्जी फ्रॉम द पीपल इन दैट रूम, आई गॉट सो मच एनर्जी दैट आई रियलाइज दैट यू नो वट, देर इज नो वे I'm gonna keep this to myself. I'm actually gonna do this now, and I am literally, by inshallah, Eid mera plan hai to you know to launch this album. There will be a lot of updates. There'll be a lot of information coming out, and obviously Imran is gonna help me through this process. Absolutely. There's gonna be a lot of information that's coming out. I'm gonna put out you know pre-production videos. I'm gonna put out post-production videos. There's gonna be video logs. Or there is another surprise that I'm actually working on. Imran already knows about it. There's a little surprise that I'm working on. Inshallah, I will have a lot of support from all of you, and I will have a lot of support from a lot of different people. Wonderful. So. Great. And good luck in everything. और अभी क्या हम लोग सुनने वाले हैं? और बाय द वे, डू यू कंसिडर योर सेल्फ मोर ऑफ अ सिंगर और अ कंप्लीट म्यूजिशियन? बिकॉज दैट्स अ बिग डिस्टिंक्शन, राइट? Yeah, absolutely. के आई मीन, हाउ डू यू, व्हाट डू यू कंसिडर योर सेल्फ, एंड देन हाउ डू यू सी बोथ एस्पेक्ट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर? जस्ट ब्रीफली। एज अ म्यूजिशियन आई थिंक मैंने अपनी तकरीबन या पूरी जिंदगी लगा दी इसके पीछे ना, तो यू नो मैंने कभी आई नेवर लेट दिस पैशन डाई। आई हैव ऑलवेज बिन वेरी क्रिटिकल फॉर द म्यूजिशियंस, यू नो समटाइम्स अ लिटिल टू क्रिटिकल, यू नो दैट, यू नो, बट मैं अपने आप को, आई वॉज लाइक अ मीडियोकर सिंगर एज ऑलवेज, बट देन आई थिंक अबाउट लास्ट ईयर मेरे एक गुरु हैं यहाँ पे, गुरुदेव हंसराज, इंशाल्लाह यू विल गेट टू मीट हिम एज वेल, एब्सोल्युटली, एंड ही इज गोना बी इन वन ऑफ द वीडियोस। So he believed in me, and he still teaches me. I mean, मैं उनसे क्लासिकल राग जाग सीखता हूँ. So now I can actually consider myself to be a better singer than what I was before. Absolutely, because this is something मेरी Absolutely, ज़िंदगी का yeah. रियाज़ है. लेकिन I would consider myself more or less a complete musician, because I'm a big proponent. I research instruments. I play a lot of instruments. And you know, मैंने अपनी तकरीबन ज़िंदगी इसके पीछे निचोड़ दी. तो ये है कि आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी अ म्यूजिशियन,
and then you know singing is just a part of the entire package. Mm-hmm. So but so now I've actually realized that I'm not gonna half-ass anything. Mm-hmm. So that's why I'm actually incorporating a lot of, like, in fact, even in this album that's coming out, there are two songs in there which are classically based on very serious classic rags. Mm-hmm. So ek rag, one of my favorite rags is called Vrindavani Sarang. Mm-hmm. So one of my songs that I'm actually going to do, it's a complete rendition of Vrindavani Sarang, and you guys will get awesome. To hear it. Awesome. And it's one of my favorite songs. That's so great. Anyways, jo gana abhi main sunane ja raha hu, like mm-hmm. it's going to be a little piece of the song. This is something, it's one of my favorites, you know, I spend so much time writing, like the perfect lyrics, everything has to match. And I was actually just telling Imran that, you know, I write stories first, then on stories, I write songs. And this song is not vocally recorded yet. Yeah, it's just in the beginning. Yeah. It's being worked at right now. And because just I'm still in the process of working on it. Yeah. So I actually haven't finished the ending. So you're going to add the vocals right now in front of us? Or, I mean, how are you going to do that? I will sing the song with the vocals. Mm-hmm. Like, I will sing on top. So it's like more like music. A jamming type of situation. Yeah, exactly. Situation. So you'll get to hear a little jam. Mm-hmm. And then from there, inshallah, hopefully, I'm actually planning on starting to record the vocals for this because I need this for like a little work that I'm doing. Okay. And then we will get you to, you know, enjoy a little piece of it as well. Great. Chale, dekhte hain phir. Thoda cut kar le bhi.